उज्जैन बड़नगर रोड पर गामड़ी लोधा गांव में बड़ा ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर और शिव मंदिर है, जहां पर एक दिन के लिए यज्ञ अनुष्ठान और पूजा अर्चना की गई और इस यज्ञ हवन में आहुतियां डालकर विधि विधान के साथ यज्ञ किया गया और पूजा अनुष्ठान आरती की गई। साथ ही सभा 11 किलो चना चिरौंजी के प्रसाद का भोग भी लगाया गया। वही 51 नारियल फोड़कर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाया गया और फिर पूजा पाठ आरती की गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात हैं और हनुमान जी महाराज के समक्ष पूजा पाठ अनुष्ठान करने से तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होती है, इसलिए हमने हमारे गांव के मंदिर में पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी महाराज हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और शीघ्र ही इस महामारी का अंत करेंगे। जो हनुमान जी एक महान शक्तिशाली हैं, इनको भोग लगाया गया और सवाया प्रसाद चढ़ाया गया, 51 नारियल भी चढ़ाए गए हैं। ऋषि मुनि जब भी कोई उन पर विपत्ति आती तो भगवान का अनुष्ठान करते, यज्ञ करते और भगवान को मनाते, उसी प्रकार हम भी हनुमान जी को मना रहे हैं और हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, ये महामारी आई है, ये हमारे नगर से और हमारे देश से कोसों दूर चली जाए, यही हम सब भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और आज हनुमान जी का ये यज्ञ की आहुति दी गई है, ताकि हनुमान जी ने जैसे लक्ष्मण जी को प्राण दान दिए थे, ऐसे ही प्रभु हम सबको भी प्राण दान दे और इस महामारी से हमें उभारे। कौनसा मंदिर है और आज किस प्रकार से यह पूजा की गई और क्या रहा? ये हनुमान जी, शंकर भगवान और माता जी का मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है और एक दिन का यज्ञ किया गया है और 11.25 किलो प्रसाद चढ़ाई गई है और 51 नारियल का प्रसाद भोग लगाया गया है। और क्या इसका महत्व रहता है और क्या रहा? ये कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पे कुछ लोगों ने ही मिलकर गांव वालों की सहमति से पूजा अर्चना की है और इससे महामारी का निवारण होगा और सभी का भला होगा और इसमें राम जी को भी सरजीवन बूटी जो लेकर आए थे राम जी, उनको भी जीवन दान मिला है, तो हमें भी पूरी आशा है कि वो हमें भी जीवन दान प्रदान करेंगे मनुष्य जाति को भी। हनुमान जी महाराज की? हनुमान जी महाराज। तो आज हनुमान जी महाराज और शिव जी के भोग लगाया गया, प्रसादी चढ़ाई गई? हाँ, प्रसादी चढ़ाई गई और हनुमान जी और शिव जी महाराज और माता। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।